आयतुल्ला जवाद तबरेजी अल्लाह मकामा, उनकी किताब का हवाला दे रहा हूँ, इरातुन निजात जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 90। फतवे का निशान भी बता दूं 282। और अगर किसी को तस्वीर चाहिए मेरे यहाँ के ले ले, मैं मेरे पास मौजूद है। अपने फतवे में लिखते हैं कि जो ज़ियारत आशूरा का मुनकर हो, किसका मुनकर हो? ज़ियारत आशूरा। क्यों? इसलिए कि ज़ियारत में जुमला है अल्लाहुम्मा रज़ुकनी शफ़ातल हुसैन। जो ज़ियारत आशूरा का मुनकर हो, खुदा रहमत नाजिल करे, अगला जुमला सुनिएगा उसके बाद का, जो ज़ियारत आशूरा के साथ मज़लूमियत ज़हरा का मुनकर हो, अगला जुमला मैं कैसे कहूँ? बड़ी हिम्मत चाहिए कहने के लिए भी और सुनने के लिए भी, लेकिन मरहूम हो गए खुदा दर्जात बुलंद करे, तो जुमले को ऐसे महफूज कीजिएगा और इतनी दाद दे दीजिएगा कि वो आलम अरबा में खुश हो जाए। कहने लगे जो ज़ियारत आशूरा का मुनकर हो और फातिमा की मजलूमियत का मुनकर हो, उसकी नमाज नहीं है। और उसके बाद का, अगर ऐसा शख्स नमाज जमात पढ़ा रहा हो जो ज़हरा की मजलूमियत से इनकार करे या ज़ियारत आशूरा से इनकार करे, कहते हैं उसके पीछे नमाज जायज नहीं है। इसलिए के आदि के ज़हरा की मजलूमियत और ज़ियारत आशूरा मुसलमात शिया में है, और जो मुसलमात शिया से इनकार करे वो पेश इमाम हो ही नहीं सकता। मगर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो औरों को नमाज नहीं पढ़ा सकता, उसकी खुद की नमाज कहाँ तक?